कांग्रेस ने बठिंडा और फिरोजपुर लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। फिरोजपुर से दो बार अकाली दल की ओर से एमपी चुने गए शेर सिंह घुबाया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। बठिंडा से कांग्रेस ने युवा नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को उम्मीदवार घोषित किया है। अकाली दल द्वारा अभी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया अभी पिछले महीने ही अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल से शेर सिंह घुबाया की अनबन हो गई थी। घुबाया ने अपने बेटे देवेंद्र घुबाया को कांग्रेस में शामिल कराकर फाजिलका से विधायक बना लिया है। उसके बाद से ही अकाली दल की मीटिंगों में शेर सिंह घुबाया को बुलाना बंद कर दिया गया था। शेर सिंह घुबाया अपनी राय सिख बिरादरी के वोटों के बल पर 1997 में राजनीति में आए थे। घुबाया दो बार पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे। बाद में शेर सिंह घुबाया ने जलालाबाद की सीट सुखबीर सिंह बादल के लिए खाली कर दी थी। इनाम के रूप में अकाली दल ने शेर सिंह घुबाया को संसद में भेज दिया था। घुबाया 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ द्वारा शेर सिंह घुबाया को टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया था। शेर सिंह घुबाया के मुकाबले फिरोजपुर से अकाली दल के प्रमुख भी सिंह बादल के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। शेर सिंह घुबाया और उनके विधायक पुत्र देवेंद्र घुबाया अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को लगातार फिरोजपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ललकार रहे हैं। शेर सिंह घुबाया को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद फिरोजपुर से सुखबीर सिंह बादल के मैदान में आने की संभावना बढ़ गई है। सुखबीर बादल का 23 अप्रैल को फिरोजपुर सीट के अबोहर में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम पहले से ही तय है। बठिंडा से कांग्रेस ने गिद्दड़बाह के विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को टिकट दिया है। राजा वड़िंग लगातार दूसरी बार गिद्दड़बाह से विधायक चुने गए हैं। राजा वड़िंग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीक माना जाता है। 2014 में राजा वड़िंग को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था। पिछले साल राजा वड़िंग ने गिद्दड़बाह में नशे के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की मैराथन दौड़ का सफल आयोजन किया था, लेकिन इन दिनों राजा वड़िंग अपनी एक विवादित टिप्पणी के कारण चर्चा में बने हुए हैं। राजा वड़िंग को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पंजाब एकता पार्टी के उम्मीदवार पाल खैरा के आरोप की पुष्टि होती है। सुखपाल खैरा द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार में मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। खैरा का कहना है कि अकाली दल ने पटियाला से प्रनीत कौर के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बदले में कांग्रेस भी बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार ही मैदान में उतारने जा रही है। राजा वड़िंग के बठिंडा से कांग्रेस उम्मीदवार बनने के बाद अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल की राह आसान हो गई है। करीब एक महीना तक हरसिमरत बादल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देने की कवायद करने वाली कांग्रेस ने सबसे कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद अकाली दल के फिरोजपुर और बठिंडा से उम्मीदवार भी किसी समय घोषित किए जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।